सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटे को भी दबा दीजिए आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आती है आपको पसंद तो कर दीजिए लाइक, नहीं आती पसंद तो कर दीजिए डिसलाइक। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी हो आपके सवाल तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछेगा, मैं उनका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, IRCTC की वेबसाइट में काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं। फ्रेंड्स, हम IRCTC की वेबसाइट से हर महीने 6 टिकट बुक कर पाते थे, पर अब 12 टिकट बुक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पर फ्रेंड्स, उसका IRCTC अकाउंट के साथ आधार कार्ड को आपको लिंक करना होगा। अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक करने के बाद आप हर महीने 12 टिकट बुक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स कि IRCTC अकाउंट के साथ आधार कार्ड को लिंक कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, के लिए फ्रेंड्स आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। जैसे ही मैं अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल देता हूं, फ्रेंड्स मैं लॉगिन हो चुका हूं। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको माय प्रोफाइल क्लिक करना होगा। माय प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आधार KYC आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको आधार नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स उसका OTP आएगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। माय प्रोफाइल पे फ्रेंड क्लिक कर दिया मैंने, आधार KYC पे क्लिक कर रहा हूं। फ्रेंड्स आधार KYC पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये आया है आधार KYC। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आधार नंबर भी दिख रहा होगा, हमने माय प्रोफाइल पे क्लिक किया था। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं नीचे करता हूँ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा, वो आपको OTP डालना होगा। OTP डालने के बाद फ्रेंड्स आपका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। फ्रेंड्स, पर फ्रेंड्स इसके साथ एक टर्म कंडीशन ये भी है फ्रेंड्स, जो IRCTC अकाउंट में आपका जो नाम है वो आधार कार्ड में भी वही नाम होना चाहिए। जो IRCTC अकाउंट में आपका डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए। आप इनमें से कोई सा भी नाम या डेट ऑफ बर्थ अलग होती है तो वो लिंक नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, और आपकी 12 टिकट बुक हर महीने नहीं हो पाएगी, 6 टिकट ही रहेंगी। ये चीज़ें सही डालते हैं तो आप हर महीने 12 टिकट बुक कर पाएंगे। फ्रेंड्स मुझे बताइए कि अगर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो कर दीजिएगा लाइक, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटे को भी दबा दीजिए आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।